काबुल सिटी जो है वो चारों तरफ पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। लड़ाई वाले मुर्गे भी पाल रखे हैं यहाँ पे। तो ये भाई साहब आ गए गुड़ बेचने। पाकिस्तान के साथ वो तो हमारा दुश्मन। एक भाई मारा गया, दूसरा भाई जख्मी हो गया। सब लोग बड़े मस्ती से अपना काम कर रहे हैं। आपको सारी गन्ना एक बार मिल जाएगी मार्केट के अंदर। 500 फैमिली सिखों की थी और हिंदुओं की। राम प्रकाश डिजिटल कंपनी। ये साइड में जो आपकी बिल्डिंग दिख रही है ये है मंदिर। मैं कल रात को आ गया था यहाँ पे। मंदिर बड़ा ही खूबसूरत और बहुत बड़े कैंपस में बना हुआ है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, वहाँ पे हमने एक करी प्लांटेशन, क्योंकि एक यादगारी तो रहनी चाहिए मंदिर में और अफगानिस्तान में। और मैं निकला हूँ यहाँ से, तो हम आ रहे हैं परमिट बनवाने के लिए। तो अब एक जगह तो जाए परमिट बनवाने के लिए, अब दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने सिग्नेचर विग्नेचर करके दे दिए। अब जाना है हमारा अफगान टूर वाली जगह पे, वो लोग जो है आपको परमिट इशू करेंगे। तो मुझे भाई मिल गया। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? अली हज़ार। अली हज़ार। एक ये रशियन भाई भी मिल गया। हे ब्रो, व्हाट्स योर नेम? आई एम साशा। साशा, आई एम साशा फ्रॉम रशिया, फ्रॉम मॉस्को। नाउ आई एम जॉय अफगानिस्तान एंड इट्स माय न्यू फ्रेंड फ्रॉम इंडिया। And now we're over. Oh, you know Russia. See you in India. See ya. अभी क्या है कि भाई को एक दो फोटो लेने हैं, वो फोटो लेके टैक्सी लेंगे यहाँ से। टैक्सी लेके दूसरी जगह जाएंगे और मैं जिस जगह पे रुका हूँ मैं वहाँ से एक भाई को लेके आया था। थैंक यू इदरीस भाई। और यहाँ पे बाजार में भीड़ है बहुत ज्यादा, रमजान पे सब लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं जगह जगह से। तो ये हमारे भाई इदरीस है, वो अली रजा है, और एक वो रशियन भाई है, वो उनको वो रशियन बोलने वाले मिल गए। इधर बच्चे हमारे पास खड़े हो गए हैं। तो भाई जा रहा था आगे पीछे, भाई तालिबान वालों ने रोक लिया इसको कि भाई कहाँ जा रहा है, रूल रेगुलेशन को तो फॉलो करना चाहिए। फिर बोला कि भाई हम बार बार से ही फोटो लेके आएंगे, तो इसलिए कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो उसके साथ गाइड है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। और हम कोई ऐसा काम करते नहीं है बिना गाइड ही। हम तो देखिए भाई कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। खैरियत, सलाम अलैकुम। सब लोग बड़े मस्ती से अपना काम कर रहे हैं। अखरोट खा रहा है भाई। ये मशीन सिलाई विलाई सारी यहीं कर लेते हैं सारे मोची। कम से कम 50 दुकान के आसपास होंगे। लो भाई अफगानिस्तान में आए। और गाजर, गाजर देखो भाई सब कितनी ज़बरदस्त है। जूस पीना है क्या करना भाई? अच्छा पीते हैं। कौन है इधर? Yeah, it's a carrot juice. No problem. नहीं है? Okay, let's move. भाई नहीं है तो गाजर का जूस नसीब में नहीं था हमारे। हम जा रहे हैं वो परमिट वाली जगह पे। जाने से पहले देखो ये अंजीर। ये अंजीर है क्या भाई? क्या है ये? एप्रिकॉट। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट। ये अंजीर है। सलाम अलैकुम, ठीक ठाक है? मजे में, मजे में भाई। मैं हिंदुस्तानी है। हाँ हाँ हाँ। और मैं तो घूमने आया था। हाँ, चक्कर लगाते हैं। अफगानिस्तान देखने आया ना, बहुत अच्छा है। जाने अभी 3-4 महीने बाद जाने लगेगा। हाँ, 4 महीने बाद खुल जाएगा। हाँ, बस आपका प्यार चाहिए, मिल गया। इमली का बूटा, बेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर। कुछ साल पहले तक सिनेमा चलता था जहाँ पे मैं रुका हूँ, वहाँ पे भी एक सिनेमा है, फामीर सिनेमा। अभी वो टैक्सी का पता कर रहा है कि टैक्सी जाएगी कि नहीं। हमें मिल तो गई टैक्सी, और टैक्सी पे जैसे अभी ये भाई खड़ा है ना, बाहर लड़के खड़े हैं, उनको वो बोलते रहेंगे इधर चलो इधर चलो इधर चलो, तो उनको फिर 10 रुपये पकड़ा देता है भाई ड्राइवर जो भी होता है। ये सही सिस्टम लगा, उनका भी काम चल जाता है, इनका भी काम चल जाता है। तो भाई मेरा रशियन भाई भी खुश हो गया और मैं भी खुश है। ये कार्ड सा ले आया बना के। और ये थैंक यू सर। चले भाई, वी गॉट सेम डायरेक्शन और डिफरेंट? नो, वी जस्ट फ्रॉम हियर वी गो टू द सेम प्लेस एंड फ्रॉम देयर वी वॉक टू मार्केट, बट मार्केट एंड देन। सो इन इवनिंग यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, व्हाट्स योर प्लान एंड देन वी मेक अ प्लान। ओके, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। सेम हियर ब्रदर। ओके, सी यू गाइस। नहीं, किधर घर जाना है ना? क्या बात है, पैदल जाना है यहाँ से? नहीं, फरोजगा से। हाँ हाँ, ले जा, जहाँ भी जाना है मेरे को नहीं पता है। अभी हमने भाई अपना परमिट ले लिया और वापस जो है उसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। भाई आप खैरियत से हैं? आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम लुत्फुल्लाह है। लुत्फुल्लाह, किधर से? इधर से, काबुल से है? नहीं, किधर से? जलालाबाद। जलालाबाद से। तभी आपको उर्दू आता है ना, वो पड़ोसी है आपका पाकिस्तान। किधर से सीखा आपने? मोबाइल से सीखा। ओके, बहुत नहीं आता। आता है थोड़ा थोड़ा।
आप यहाँ क्या करते हैं? मैं बस घूमने आया है, मैं देखने आया है कि कैसा आपका देश है अभी नई हुकूमत के साथ में। हमारा देश तुम्हारे पसंद आया? हम पसंद आया भाई, मेरे को 15 दिन हो गया इधर। हमारे लोग तुम्हारे पसंद? अरे हिंदुस्तानी तो भाई, अफगानी हिंदी भाई भाई पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान को सब गालियां क्यों निकालते हो आप लोग? मैं जिससे पूछा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ मसला है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो तो हमारा दुश्मन। आपका दुश्मन है अफगानिस्तान? हिंदुस्तान पाकिस्तान खत्म ही। जूस पिला दे भाई, दो तुम भी पिएगा, मैं पिएगा, दो पिएगा। पहले हमारा मन था गाजर का जूस पिया, अनार का जूस पी रहा है, अभी बनाएगा भाई पूरा का पूरा अनार ही वो डाल देते हैं। ताजा ताजा पिला दे भाई, हिंदुस्तान से आया पीने के लिए तेरे पास। अच्छा है भाई, 50 रुपए का एक है। थैंक यू। अफगानिस्तान आओ और अनार का जूस ना पियो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक अफगानी जलेबी ना खाओ और एक अनार का जूस ना पियो, दोनों बड़ी फेमस है। ये क्या है भाई? ये जलगोजा। क्या? जलगोजा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे मालूम नहीं है भाई, किस चीज़ का बीज है ये? भून के खाते हैं, भून के खाता है ये। क्या बेर है? सेब, स्ट्रॉबेरी। आप देख के हो जाओगे क्या क्या चीज़ें। ये सारे ड्राई फ्रूट्स, कीवी। ये देख भाई अंजीर कैसे पैक करके लेके आ रहा है। ये चने बेच रहा है काबुली, ये अंजीर है। और ये भाई साहब कापी किताब बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं। अंजीर देखो कितना लोड कर रखा भाई ने। यहाँ का बाज़ार का नज़ारा ही अलग है, अपने वाले बाज़ार से भी अच्छा है। ये देखो कोकोनट भी है। तो ये भाई साहब आ गए गुड़ बेचने, ये गुड़ बेचने। रमादान की वजह से पूरा का पूरा बाज़ार जो है ना फुल हो रहा है। सो वी गो स्ट्रेट है। देखिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपको हर जगह ड्राई फ्रूट बिकता हुआ मिलेगा, भुजिया ड्राई फ्रूट। या ये इस जगह को मंडी बाजार बोलते हैं। yes, इट्स मंडी बाजार। को हर जगह ड्राई फ्रूट मिलेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है बस, यहाँ पे फीमेल का वीडियो नहीं बनना चाहिए, बाकी तो मेरे साथ में ये गाइड भाई है। सो व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम इज अनवर। मेरे साथ में अनवर भाई हैं। थैंक यू सो मच भाई। आप, मैंने इनको बुलाया, इद्रिस की कंपनी का है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करना था तो मैंने बुला लिया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, जैसे तालिबान के लोग ये आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो तालिबान के लोगों से थोड़ा सा केयरफुली रहना। पिस्ता बादाम लक्स कोजी मिल बिक रही है भाई यहाँ पे। सरों का तेल, बाजार भाई साहब मस्ती कर रहे। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी। कपड़े की दुकान है। हमारे वाले भाई आएंगे ना, सारे यूट्यूबर भाई आते, सबसे पहले एक तो यहाँ का लोकल कपड़ा देंगे, एक पजामा कुर्ता सिलाएंगे, एक टोपी लेंगे। पता नहीं क्यों मैं पूरी मार्केट में आराम से घूम रहा हूँ, कोई हसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हो भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? बट बटेर या तितर बटेर या वी आल्सो से बटेर। ये बटेर है सारे। सो दे आर जस्ट फॉर ईटिंग और जस्ट फॉर होम? पीपल लव दिस काइंड ऑफ, लव दिस काइंड ऑफ, they have, they keep this kind of bird. Okay, okay. अपने घर में रखते हैं। कलरफुल कबूतर है भाई, ये वाला तो जबरदस्त था। कितने बड़े बड़े कबूतर हैं। इस साइड में भी बहुत सारे हैं वैरायटीज ऑफ कबूतर। मैं इनको पिंजरे में रखने के फेवर में नहीं हूँ भाई, पर यहाँ का ट्रेंड है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम किसी को बोल भी नहीं सकते, तो लोग यहाँ पे रखते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है यार ये, इनके लिए दाना। लड़ाई वाले मुर्गे भी पाल रखे हैं यहाँ पे, उनको लेके आते हैं बेचने के लिए। बहुत सारे बर्ड्स हैं यार, ये ब्लैक एंड वाइट।
ये गुड़ बिक रहा है, देखिए तीन चार तरह का गुड़ है यहाँ पे जलालाबाद के पास, गुड़ काफी बनता है। क्या प्राइस है? ये सेकंड हैंड से जो की दुकानें है सारे, हाँ सब सेकंड हैंड से जो भी बिक रही है, पुराने टावर क्रोकरीज कंबल वम्बल भी सेकंड हैंड बिक रहे। तो भाई अब हम वेयर वी गो नाउ? टू शहरी नाउ। The top? Yeah. No, okay. Not the top. There is like the famous place is Antique Street. Antique Street. Okay. Yeah, antique shop. Antique shop. Okay. Okay. तो कोई एंटीक शॉप है वहाँ पे लेके जा रहा है भाई, और तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, और वहाँ से फिर वापस जो है हम टेंपल की तरफ आ जाएंगे। मैंने दोनों को टेंपल में खड़ा किया हुआ है, तो वहीं से फिर आज देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। मैंने तजाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, बट स्टिल वेटिंग फॉर वीज़ा। जब तक वीज़ा नहीं आता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। राम प्रकाश डिजिटल कंपनी, फोटो कंपनी, बहुत बड़ा नाम है यार इसका। तो इसको एंटीक स्ट्रीट बोलते हैं, और एंटीक स्ट्रीट पे आगे तो इसी को कुछ एंटीक चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं, तो देखते हैं कुछ है क्या। ऑल दीज आर एंटीक्स, antique parts. So you have antique coins also? Coins, no, I don't. Okay. I have some medals. Medals, well, that British medals. Stupid. Yeah, I told you that this is the historical. This one, huh? Yeah. Okay. यार यहाँ पे आपको सारी गन्ना एक बार मिल जाएगी मार्केट के अंदर, आप ले सकते हो, और दोनों तरह की ओरिजिनल भी मिल जाएंगी, डुप्लीकेट भी मिल जाएंगी, रसिया वाला माल भी मिल जाएगा, ये शायद रसियन वसिन है कुछ। और यहाँ पे आपको तितर मारने वाली भी मिल जाएगी, ये जो है तितर मारने वाली ओरिजिनल है, इसके कारतूस भी पड़े हैं, और बड़े कारतूस भी आपको मिल जाएंगे, और ये लगभग 8-10 हज़ार रुपये में नॉर्मली दे देते हैं। और पिस्टल विस्टल का सारा सामान जो है आप यहाँ पे, लोग पिस्टल नॉर्मली रखते हैं घर में। ये देखिए कारतूस पड़े हैं, ये तितर मारने वाले कारतूस हैं, दूसरे कारतूस इन्होंने अंदर रखे हुए हैं क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा वो प्रमोट नहीं कर रहे अभी। गन तो भर भर के पड़ी है भाई, किसी भी तरह की ले लो आप। अभी क्या है कि लाइसेंस पे देना शुरू कर दिया अब इन्होंने, पहले लाइसेंस पे नहीं देते थे, यूं ही लेके चला जाता था, तो अभी दोबारा से लाइसेंस स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, आम आदमी के हाथ में नहीं रहेगी हथियार, आपको मतलब किसी भी क्वालिटी का हथियार, रशियन और यूएस का हथियार हर किसी के घर में मिल जाएगा आपको, मतलब हर तीसरे, और तालिबान के लोगों के पास तो भर भर के पड़ा। शाहरा जियारत मस्जिद के बिल्कुल सामने, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और कबूतरों को दाना डालते हैं 10-20 रुपए लेके, वो बेच रहा है वहाँ पे कबूतरों का दाना। 50 साल पहले या 60 साल पहले वहाँ पे होता था मंदिर पहले, हा? जाते हैं नवरात्र में, गए आपने पाठ पूजा किए, अच्छा ये ताला लगा हुआ है चाबी इन्हों के साथ ही, अच्छा और इजाजत मंगनी पड़ेगी तालिबान से ना, उधर उनका पोस्ट है, उधर उनका जो चीजें है वो सब कुछ उधर है ना, वो डरते। अच्छा तो भाई ऊपर जो दिख रहा है आपको टावर, वहाँ पे माता का मंदिर है पुराना, अब यहाँ पे नीचे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ माता का मंदिर है, आसमाई माता मंदिर। काबुल सिटी जो है वो चारों तरफ पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है, और पुराना काबुल तो उधर था जिधर से मैं आया था, मैदान शहर की तरफ, अब काबुल जो है दूसरी तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ये मंदिर का दरवाज़ा है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने मंदिर हैं काबुल में? गुरुद्वारे तो बहुत जाते हैं, मंदिर दो ही है। दो मंदिर हैं और गुरुद्वारे? गुरुद्वारे हैं पांच छह गुरुद्वारे, पांच छह गुरुद्वारे हैं। तो ये मंदिर का गेट है भाई, अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आपको यहीं पे दिखा दूं, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। ये फ्लैग की रोड टूट गई है, तो अब मैं ये जो है ना ये टूट गया यहाँ से, तो एक और था एक्स्ट्रा उसको सेट कर रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं बगैर फ्लैग ही चल रहा था, तो अभी इसको फ्लैग को दोबारा से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं। एक घंटा हो गया मुझे लगे हुए, कभी साइकिल से ये खोल के ला रहा हूँ, कभी वो खोल के ला रहा हूँ, बट अब मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ये बात कब की है, मतलब कौन से साल की बातें बता रहे हो? 45 साल पहले की। 45 साल पहले की। काबुल में हिंदू ज्यादा थे उस टाइम? काबुल में हिंदू तकरीबन अगर 1 लाख आदमी बोले भी हो सकता है। अच्छा 1 लाख हिंदू थे, 500 फैमिली सिखों की थी और हिंदुओं की, हिंदुओं की 1000 पकड़, 2000 पकड़, 2000 के करीब हिंदुओं की फैमिली थी। जगह नहीं थी इधर रहने की। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ मंदिर में भी बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, उधर वाले मंदिर में भी, इधर वाले जगह छोटी हो जाती थी, बाहर से ले आते थे सामान।
अच्छा, और कितने मंदिर और गुरुद्वारे हैं काबुल में? 11, 12, 13 मंदिर थे यहाँ पर, 12-13। अभी जो रिसेंटली 25-30 लोग मरे थे वो जलालाबाद में मरे थे? जलालाबाद में मरे थे, ईश्वरबाजार में मरे थे। कौन से में? दूसरी बार 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर ऊपर। अच्छा, ईश्वरबाजार नाम है उसका। कितने लोग थे? 26 लोग। एक ब्लास्ट हुआ? एक ब्लास्ट हुआ। आपका जन्म कंधार में हुआ है? हमारा जन्म कंधार में हुआ है। कई पीढ़ियां यहीं थे? हमारी कई पीढ़ियां गुजर चुकी है। आपका पूरा नाम क्या है? नंदलाल। तो किस चीज का बिजनेस था आपका उस टाइम पे? बजाजी का था, कपड़े का। कपड़े का। 35 साल में बाप की कपड़े की दुकान थी उधर बाजार में। अच्छा, शादी हो गई? शादी से पहले मेरे एक भाई था एयरपोर्ट पर, किसने बम हुआ कंधार की एयरपोर्ट पर, कंधार के एयरपोर्ट पे। दूसरा ब्लास्ट हुआ इश्कापुरी बाजार में। अच्छा, इश्कापुरी बाजार में हम लोगों ने आखिर मेरे छोड़ना पड़ा, मेरे घर, घर में हमारे पड़ोसी थे। यहीं काबुल में? नहीं, कंधार में। कंधार में एक भाई मारा गया, दूसरा भाई जख्मी हो गया। मासी का लड़का था उसके इस जगह पर और गोलियों से बौछार कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, हाँ, गोलियों को। दूसरा लड़का था इस जगह पर मारा। अच्छा, तो उसका टूट गया, वो कनाडा गया। ऐसे चलते चलते पोजीशन खराब हो गई, हमने घर छोड़ दिया। बहनों की शादी हो गई, जो बहनों में से एक अमेरिका में मर गई, एक अभी भी जर्मनी में है, एक बॉम्बे में है, एक बॉम्बे में, बॉम्बे चेंबूर में। अच्छा, फिर यहाँ गया आप? कंधार से आया इधर किराए पर। 1980 में भी धर्मशाल में गुरुद्वारे में भीड़ भाड़ ज्यादा थी। अच्छा, इतनी भीड़ भाड़ थी जो रहने की जगह नहीं थी। अच्छा, न किराए घर में था न रहने का, इधर जान पहचान हमारी नहीं थी लोगों के साथ। हम लोग सरदारों के घर में रहने लगे। इधर की हुकूमत जो वो थे रशिया के चमचे थे। अच्छा, आदमी कम घटे। तो फिर उस टाइम तालिबान बना था? नहीं, तो तालिबान मुजाहिद के नाम पर था, मुजाहिदीन बने थे। मुजाहिदीन के नाम तालिबान गांव से आ गया। अच्छा, उस टाइम मुजाहिदीन तैयार हुए थे, नाम शुरू हो गया कि हम रशिया के साथ लड़ते हैं। हाँ, हम रशिया के साथ लड़ते हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ? कंधार से हुआ या फिर कंधार से हुआ? कंधार में एक ग्रुप से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से चार हो गए, ऐसे 8 ग्रुप हो गए। 8 ग्रुपों में से बड़ा इनका जो था गुलबदीन था, बाद मेरा बानी हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मतलब ऐसे चलते चलते 8 ग्रुप बन गए। तो फिर रसिया कितने साल बाद चला गया था? 13 साल गुजर, वो जब रसिया टूट गया तो तब चला गया। हाँ, 13 साल टूट गया। तो उस टाइम पर अगर 10 लाख आदमी बोले मारा गया। अच्छा, हाँ, हमारे हिंदुओं में से 400 आदमी मारा गया उस टाइम। अच्छा, रसिया चला गया, फिर मुजाहिदीन ने ग्रुप हो गए। मुजाहिदीन ने सरकार बनाई फिर इधर? नहीं, मुजाहिदीन ग्रुप हो गए अपने में, अलग अलग हो गए सब। अच्छा, जो शहर थे ना, हर अलग अलग शहर में कब्जा कर लिया सब ने। 5-6 साल बाद इन्होंने फैसला किया झगड़े में, फैसला किया आपस में सारे मुजाहिदीनों ने मिलकर, मिलते हैं 5 साल मैं करूंगा, 5 साल वो करेगा, मतलब ऐसे फांड करो। उधर फैसला किया तो कबूल न हुआ, कबूल नहीं हुआ, झगड़ वही झगड़ते रहे। ऐसे तो हम 13 साल गुजर गए, 13 साल निकल गए ऐसे। 13 साल भी वो गए, शरायत ऐसे रह गई, पोजीशन ऐसी रह गई, मुजाहिद के नाम से इस्लामी बन गए, कट्ठे जो हो गए ना, इस्लाम का नारा मारा, इस्लाम का नारा मारा। फिर हम इस्लाम है के एक मिसाइल है सर शहजादा पर गिरा। कहाँ पे? मार्केट है शहजादा मार्केट में। अच्छा, शहजाद मार्केट में। हाँ, शहजाद मार्केट की सराफी की मार्केट है। अच्छा, एक्सचेंज की मार्केट है। इधर जाएंगे इसमें तकरीबन 180 हिंदू जख्मी मुर्दा हो गया, हो गए। दूसरी दफा जो 4-5 दिन बाद दूसरा मिसाइल आया, उसमें इस परिशिष्ट की जामे आगे लगा। बाद में तीसरा हुआ जरजमीनी के आगे, दूसरे गुरुद्वारे पर हमला हुआ। अच्छा अच्छा, बस लोगों का दिल काला हो गया, फिर छोड़ छोड़ के चले गए, चलते चलते। अब जब ये नए दोबारा से आया, गनी चला गया, अमेरिका चला गया, तब ये कतर का फैसला हुआ इन लोगों के साथ। कतर में फैसला किया था, कौन है इनका वो लीडर? लीडर याकूब। और दूसरा कौन है? सबतुल्ला है। अच्छा, आर्मी का है ये, उसका बच्चा है। अच्छा, उसका बच्चा है, पहले वाले का बच्चा है। तो अब लोग ठीक है, खुश है इनसे? कम से कम मतलब मार काट, बम ब्लास्ट, जब 180 मारा गया ना,
एक्सोसिएशन हिंदुओं का मारा पीटा। हाँ, वो जो मार्केट में बम रॉकेट लोग चला। हाँ, दूसरी बार 18 आदमी मरे, तीसरी बार 26 आदमी मरे। हाँ, तभी भागने लगे, भागने लगे। चौथी दफा 3 हिंदुओं का रात में कत्ल कर दिया। अच्छा, तो अभी कितने हिंदू हैं यहाँ पे? 15-20 टोटल हिंदू यहाँ पे बचे हुए हैं। और घर बार छोड़ गए ना, घर बार इन लोगों ने कब्जा कराया, बड़ी बड़ी मार्केटों को आग लगा दी इन लोगों ने। अच्छा, और मार्केट में सब लोग हस्ती जैसे लोगों की चली, घर से भी चला गया, जमीन से भी चला गया, पैसे से भी चला गया, ऐसे करके उनको निकाला। मैं देख रहा था लोग मंदिर में भी रह रहे थे काफी पहले टाइम में, तो लोगों का सामान अभी भी यूं का यूं बिखरा हुआ पड़ा है, छोड़ छाड़ के चले गए। मैं अभी मंदिर में जाके आया भाई, मंदिर में जाके मैंने देखा कि मंदिर में पीछे ना मंदिर बहुत बड़ा है, मतलब दो मंदिर तो बहुत बड़े हैं, वो परला मंदिर तो बहुत बड़ा है, समाई का मंदिर, समाई वो पीछे वाला मंदिर माता का मंदिर है ना। हाँ, तो माता के मंदिर के अंदर एक स्कूल होता था बहुत पुराना है, बहुत बड़ा स्कूल था और उसके अंदर कमरे बने हुए थे, तो कमरे में लोगों की सूटकेस सभी भी यूं ही पड़ी है, सामान बिखरा हुआ, सब छोड़ छाड़ के भागे हुए लोग हर जगह पर। ऐसे हुआ तो इन लोगों ने घर बार में छोड़ के, बाग जमीन ज्यादा छोड़ के भागे। तो अभी कित कहाँ पे हैं मैक्सिमम लोग? तिलक नगर में दिल्ली, जिसके पास थोड़ा पैसा था वो तिलक नगर से लेंगे। अच्छा, जिसके पास खोस तो पक्तिया की ये लेन थी, ये रशिया चले गए, ये रशिया चले गए, रशिया से फिर अमेरिका वगैरह चले गए, जो भी है चले गए, ये है उधर ही। अच्छा, जो है सो चले गए, सो नहीं है। तालिबान के आने के बाद में काफी लोग जो है इंडिया गए थे, उनमें से काफी लोग कनाडा चले गए अब हैं। अच्छा, अब ये तालिबान आने के बाद में कब्जे हुए दोबारा से? अब मैंने नहीं देखा, रात बोला कि शुरू हुआ है कब्जा, आदमी जो नहीं है तो कब्जा छुड़ाते, अगर आदमी नहीं है तो कब्जा करता हूँ। अच्छा, कोई आदमी नहीं है तो कब्जा कर लेंगे। मंदिर पे और गुरुद्वारे पे भी कब्जा हो गया? जो भी है सब आदमी नहीं, मैं कब्जा करता हूँ, पहले भी करते थे अभी भी करते है। अच्छा, गुरुद्वारे में, हमारे गुरुद्वारे में कब्जा हुआ था 10 साल इनके पास था। अच्छा, जलालाबाद में ऐसे हुआ। अच्छा, मतलब आदमी जो नौ ना, अभी ये भी ऐसे होता है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 66। 68, 66। मतलब आपने सारा उतार चढ़ाव देख लिया, तो आपने सारा परिवार ही खो दिया, मतलब भाई चले गए आपके, आप अकेले हो यहाँ पे? तो दोस्तों, ये तो थी बाबूजी की कहानी, जो कि यहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं मैदान में, बिल्कुल डट रहे हुए हैं मैदान में, लोग छोड़ छोड़ के चले गए पर ये अभी भी यहाँ पे हैं और आते जाते रहते हैं। मैं मंदिर में था तो मेरी मुलाकात हुई इनसे और बस मैं कहानी सुनता रहा। आपको तो मैंने बड़ी संक्षिप्त सी सुनाई है, थोड़ी सी बात सुनाई है, हम घंटों तक बातें करते रहे और बस क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में बातें बताने के लिए आपको। और मतलब आप चाहे 50 जनरेशन चले जाओ कहीं पे, 60 जनरेशन चले जाओ, आपका देश आपका ही रहता है। मैं आज भी लोग बहुत कहते हैं ना कि मैं कनाडा चला गया, मेरी 5 जनरेशन से वहाँ गई हुई है, 7 जनरेशन वहाँ गई है, पर पता नहीं है वहाँ की सरकार उनको कब धक्के मार के निकाल दे। इनका परिवार शायद हजारों साल पहले आया, तो हजारों साल पहले आया होगा परिवार, इनको खुद को ही नहीं पता कि कब आया है। तो ये चीज, आप अगर भारतीय हैं तो भारतीय आप सही, आपके पास पासपोर्ट कहीं का भी हो, कितने भी सालों से पासपोर्ट हो, आपके कितनी जनरेशनों के पास पासपोर्ट हो, पर आप भारतीय रहोगे, ऐसा मेरा सोचना है और ऐसा ही शायद अब बाबूजी के भी विचार हो गए।